हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टेट निकेतन। स्टेट निकेतन में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे, ठीक है, इसे वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे भी कहते हैं और ये दुनिया भर में 14 अक्टूबर को मनाया जाता है जी प्रत्येक वर्ष, ठीक है। इस दिवस को मनाने का एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टू द ग्लोबल इकोनॉमी अमंग कंज्यूमर रेगुलेटर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। 2021 के वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के थीम है जी स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। हालांकि ये पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था 1970 में, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में देखेंगे कि किसके द्वारा मनाया जाता है ये। तो ये मनाया जाता है जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका फाउंडेशन हुआ था 23 फरवरी 1947 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं उल्रिका फ्रैंक, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए ये। आगे बढ़ेंगे, अगला आर्टिकल है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री इंडेक्स, तो जिसको RECAI भी कहते हैं। इसके द्वारा रिलीज किया जाता है जी रिन्यूअल एनर्जी कंट्री एट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, और इस बार ये 58th एडिशन है इसका, जिसमें इंडिया का पोजीशन थर्ड रहा है, ठीक है। US, मेनलैंड चाइना और इंडिया, ये टॉप 3 के कंट्री हैं जी, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और इंडेक्स है, उसको बोलते हैं PPA इंडेक्स, मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट इंडेक्स, और इसमें इंडिया का 6ठा स्थान है जी 30 अमंग PPA मार्केट में, मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट के मार्केट में ये इंडिया का 6ठा रैंक है। तो उसमें 3रा और इसमें 6ठा, ये दोनों रैंक आपको याद रखना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलेक्जेंडर सेलनबर्ग, ठीक है। तो ये इनका आप एक फ़ोटो भी देखेंगे, ये ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है उसके चांसलर बने हैं जी आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ सेबेस्टियन कुर्ज, यही हैं अलेक्जेंडर जी, और ये सेबेस्टियन कुर्ज के रेजिग्नेशन के बाद बन गए वहाँ के चांसलर। इनके साथ ही माइकल जो हैं वहाँ बने हैं फॉरेन मिनिस्टर, माइकल लिंगहार्ड नाम है उनका। चलिए मैं ऑस्ट्रिया के बारे में बता देता हूँ, ऑस्ट्रिया का लोकेशन देखिए, कैपिटल वियना है, ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज यहाँ जर्मन चलता है जी, ठीक है, जर्मनी नहीं है फिर भी जर्मन चलता है। अलेक्जेंडर वांडर बेलेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और अलेक्जेंडर चैलेंगबर्ग अभी अभी बने हैं चांसलर, जैसा कि मैंने बताया। वाइस चांसलर हैं वर्नर कोगलर, यूरो वहाँ की करेंसी चलता है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ACIC, तो पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का इनोग्रेशन किया गया है जी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में, तो एकदम से इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बता दूं कि ये फर्स्ट सेंटर है इन द कंट्री टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ ही अटल इनोवेशन मिशन जिसको AIM कहते हैं और नीति आयोग, ये तीनों को मिलकर के ये सेंटर है जो सेटअप किया गया है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। इसका एम है जी टू सपोर्ट एंड नर्चर इनोवेटिव आइडियाज़ दैट कैन टेक द शेप ऑफ बिग आइडियाज़ एंड हेल्प ट्रांसफॉर्म सोसाइटी फॉर अ बेटर टुमारो, इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए, ठीक है। चलिए ACIC, अगला आर्टिकल एमी हंटर से रिलेटेड है, आप इनका एक फ़ोटो देखेंगे, ये आयरलैंड की लेडी क्रिकेटर हैं जी, और इन्होंने 121 रन नॉट आउट हिट किया है अपने 16वें बर्थडे पर, और ये इसलिए न्यूज़ में हैं क्योंकि अच्छा ये इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मारा है जी, आयरलैंड के हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ मारा है, रन इतना स्कोर किया है, इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं, चाहे मेंस में हो या वुमेंस में हो, सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं सेंचुरी लगाने वाला, ODI सेंचुरी लगाने वाला 16 वर्ष में इन्होंने लगाया है। इनसे पहले 1999 में मिताली राज ने 16 वर्ष 205 दिन में लगाया था। यही हैं एमी हंटर, 121 रन बनाने के लिए उन्होंने 127 बॉल फेस किए, 8 चौके लगाए जी। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA, तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ये अच्छी खबर है क्योंकि इनके जो इन्होंने इलेक्ट किया है सज्जन जिंदल, अपने देश के हैं चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं JSW जिंदल स्टील प्लांट के,
तो उनको चेयरमैन बनाया गया है जी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के, ठीक है। जिंदल इज़ द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज ए चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। तो ये और अच्छी बात है जी। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के एस्टेब्लिशमेंट 1967 में हुआ था, 1967, और इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। मैं आपको सज्जन जिंदल जी के एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। बिल्कुल यही हैं सज्जन जिंदल जी, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो ये प्राइवेट लेंडर बैंक है, आपको पता है कोटक महिंद्रा बैंक, और इन्होंने लॉन्च किया है माइक्रो एटीएम्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। पूरे देश में ये माइक्रो एटीएम बनाए हैं जी। और कोटक महिंद्रा बैंक के की है बैंकिंग सर्विस सच एज कैश विड्रॉल एंड चेकिंग अकाउंट बैलेंस। तो आप कहीं पर भी, ये छोटे से मशीन है और उसमें आप विड्रॉल भी कर सकते हैं और अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं जी। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का नाम जानते होंगे आप, उसमें इन्होंने एटीएम को हैंडल डिवाइस किया है जी। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक, आप इन्हें जानते होंगे। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल है पावर फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएफसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एकॉर्ड किया है, मतलब बताया है कि अब पीएफसी महारत्न बन जाएगा, मतलब महारत्न का स्टेटस दिया गया है। ये एक स्टेट ओन्ड पावर फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, पीएफसी के बारे में आप जानते होंगे, तो अब ये महारत्न इनको मिल गया है जी। जैसा कि आप जानते हैं मिनी रत्न होता है, महारत्न होता है और नौरत्न होता है, तो ये नया स्टेटस इनको दिया गया है पीएफसी ग्रेटर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए। पीएफसी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1986 एज अ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो 1986 में पीएफसी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा था और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है जी, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इन इंडिया, एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड टू पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में ये लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लेंगे। अब बता देता हूँ कि पावर फिनांस कॉरपोरेशन के बारे में भी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 16 जुलाई जैसा कि मैंने बताया 1986 में इसका फाउंडेशन किया गया था। फिलहाल इसके एमडी और सीईओ हैं जी, चेयरमैन हैं रविंद्र सिंह ढिल्लन। अगला आर्टिकल है 28th NHRC फाउंडेशन डे से रिलेटेड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है 28th NHRC फाउंडेशन डे प्रोग्राम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। कब किया इन्होंने, 12 अक्टूबर को ही किए जी, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और NHRC के चेयरपर्सन के सामने जी, ठीक है। NHRC के चेयरपर्सन है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। ये एक बॉडी है जी कंस्टिट्यूटेड ऑन 12 अक्टूबर 1993 को इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये मोदी जी का फोटो देख रहे होंगे। अगला आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। फायर बोल्ट, तो ये इंडियन वियरेबल ब्रांड फायर बोल्ट है, एक आपको पता है बैंड है, मतलब घड़ी टाइप के है ना। तो इंडियन क्रिकेटर और कैप्टन भी हैं विराट कोहली जी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फायर बोल्ट ने, ठीक है। बता दूं कि फायर बोल्ट कुछ महीने पहले तक इनका जो ब्रांड एम्बेसडर था वो विक्की कौशल थे, हीरो थे, उनको जानते होंगे आप। फिलहाल विराट कोहली हैं फायर बोल्ट के, तो आप यही याद रखेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।